सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। सीआरपीएफ 134वीं बटालियन द्वारा चलाए जा रहे सिविक एक्शन प्रोग्राम 2019-20 के तहत जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके छतरपुर के पंचायत डगरा में आयोजित शहीद रूपेश सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज खेला गया, जहां सिलदाग टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और 12 ओवर में 80 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। वहीं जवाबी पारी खेलने उतरी छतरपुर की टीम महज 9 ओवरों में कुल 29 रनों पर ही सिमट गई और इस तरह से सिलदाग टीम ने 51 रनों से फाइनल मुकाबला जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया। विजेता टीम को 5000 रुपए नगद राशि और कप देकर सम्मानित किया गया, जबकि उप विजेता टीम को 2500 रुपए नगद राशि और रनर कप देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पलामू एसपी ने शहीद रूपेश सिंह के बड़े भाई राहुल कुमार सिंह को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं समारोह के अवसर पर पलामू एसपी अजय लिंडा को सीआरपीएफ बटालियन कमांडेंट अरुण देव शर्मा ने पौधा भेंट कर सम्मानित किया। वहीं अपने संबोधन में एसपी श्री लंडा ने सीआरपीएफ के प्रयास की जमकर प्रशंसा की। आज पुरस्कार वितरण समारोह में डीएसपी शंभू सिंह, थाना प्रभारी बुद्धू राव सहित पंचायत प्रतिनिधि, कई समाजसेवी तथा काफी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। इस 7 दिवसीय टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था।